फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या फिर रिटेन, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह लेसन आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन टू के बारे में। एक सेंटेंस में टू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या किस किस कंडीशन में आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी डायरेक्शन को इंडिकेटिंग करें। जब हम किसी डायरेक्शन को इंडिकेटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे He is going to a school। यहाँ पर मैं किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ He is going to a school, यानी वह स्कूल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने किसी डायरेक्शन को इंडिकेट किया। तो जब हम किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज टर्न टू राइट। यहाँ मैंने टू का इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने किसी डायरेक्शन को इंडिकेट किया। मैंने कहा प्लीज टर्न टू राइट। तो फ्रेंड्स, टर्न टू राइट यानी किसी डायरेक्शन को इंडिकेट किया गया। जब किसी डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और आपके हिंदी सेंटेंस में की ओर का सेंस होता है। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा यूज देखें। फ्रेंड्स, कई बार हमें कहना होता है से तक, जैसे सुबह से शाम तक, जनवरी से मार्च तक, गाँव से शहर तक। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो से तक तो आप से के लिए फ्रॉम, लेकिन तक के लिए आप टू का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस जहां से या तक लिखा हो कभी टाइम और कभी प्लेस का सेंस होता है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस से कभी टाइम या कभी प्लेस की बात की जाती है। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक, यहां टाइम का पता चला। फ्रॉम विलेज टू सिटी, यानी गाँव से शहर तक, और यहाँ पर प्लेस का पता चला। तो फ्रेंड्स, जब आपके सेंटेंस में से तक लिखा हो और उसे टाइम या प्लेस का पता चले तो यहाँ पर आप प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, तीसरा रूल देखें। जब आपके सेंटेंस में लिखा हो के लिए तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सेंटेंस में के लिए से उद्देश्य यानी पर्पज या इंटेंशन का पता चलता है। जैसे अगर लिखा हो ही केम टू मीट मी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वह मुझसे मिलने के लिए आया। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला मिलने के लिए, तो के लिए के सेंस में हमने टू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर्पज दिखाया जा रहा है या यहाँ इंटेंशन दिखाया जा रहा है कि उसके आने का पर्पज मुझसे मिलना था या उसके आने का इंटेंशन मुझसे मिलना था। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। स्थान यानी जगह के सेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। शी केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आई। तो फ्रेंड्स, जब हम बात किसी जगह की करें यानी प्लेस की करें तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बोला शी केम टू माई हाउस, मैंने बताया कि वह मेरे घर आई, यानी मैंने किसी जगह की बात किया। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बाकी या कम के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात टाइम की करते हैं, यानी कई बार हमें कहना होता है 4:05 कम है, या 9:02 कम है, 7:08 कम है, या बाकी है। तो फ्रेंड्स, जब हम टाइम बताते हुए ये कहें कि कम है या बाकी है तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4:05 कम है तो आप कहेंगे इट इज 5:04, यहाँ कम के लिए मैंने टू का इस्तेमाल किया। इट इज 9:08, इसका मतलब हुआ कि 8:09 कम है। फ्रेंड्स, टाइम वाले हर तरह के सेंटेंसेस जैसे 7:15, 8:15, 8:30, 5:06 या 6:02 कम है के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने इट के यूज में आपको टाइम के बारे में डिटेल से बताया कि आपको टाइम कैसे बोलना है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको ये बात पता है। टाइम के सेंस में जब हम कम या बाकी कहते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला यूज देखते हैं। फ्रेंड्स, कंपैरिजन, रेशियो और प्रोपोर्शन के सेंस में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब बात कंपेयर की होती है तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कंपेयर वाले सेंटेंसेस को दैन के मदद से बोलते हैं, लेकिन कुछ थोड़े वर्ड्स हैं जहां पर दैन के जगह पर टू का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफर, जूनियर, सीनियर। एग्जाम्पल देते हैं फ्रेंड्स, आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग, इसका मतलब हुआ लिखने की तुलना में मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। He is junior to me, वह मेरी तुलना में जूनियर है।
यानी छोटा है। She is senior to me, वह मेरी तुलना में सीनियर है यानी बड़ी है। तो फ्रेंड्स कुछ थोड़े सेंटेंसेस में कंपेयर दिखाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। We won by 5-4, 4 गोल के मुकाबले हम 5 गोल से जीत गए। तो फ्रेंड्स जब बात रेशियो या प्रोपोर्शन की हो तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। आइए फ्रेंड्स टू का लास्ट इस्तेमाल देखें। फास्टनेस यानी शीघ्रता या जल्दीबाजी दिखाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रेन जाने वाली है, द ट्रेन इज टू स्टॉप। आप टू का इस्तेमाल करेंगे जब बात शीघ्रता यानी जल्दीबाजी की हो। वह मरने वाला है तो आप कहेंगे ही इज टू डाई। आपने यहाँ देखा कि इस सेंटेंस में शीघ्रता दिखाई जा रही थी, जल्दीबाजी दिखाई गई, इसलिए मैंने टू का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग इजारम के साथ टू यानी इस कंसेप्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के सेंटेंसेस अबाउट टू से बोला जाना चाहिए, ही इज अबाउट टू डाई। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस अबाउट टू से बोला जाता है, लेकिन इजारम प्लस टू और इजारम प्लस अबाउट टू, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है जहां मैंने इनके डिफरेंसेस को बताया है। अगर आप इनके डिफरेंसेस को जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 11 देखिए। पार्ट 11 में मैंने बताया है कि इजारम प्लस टू और इजारम प्लस अबाउट टू में क्या फर्क होता है।